इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। की बड़ी खबर, कानपुर पुलिस की बड़ी नाकामी, अपहृत युवक संजीत यादव की हत्या, अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर फेंकी लाश, परिजनों से पुलिस पहले ही दिला चुकी थी 30 लाख की फिरौती। कानपुर में पुलिस सिस्टम हुआ बर्बाद, 22 जून को अपहृत युवक की अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी। पुलिस की घोर लापरवाही से कानपुर में फिर बहुत बड़ी घटना, पुलिस के निकम्मेपन की पराकाष्ठा से फिर दहला कानपुर। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पैसे दिलवाए, पीड़ित परिवार पर झूठ बोलने का दबाव तक बनाया, सारी कहानी के बावजूद युवक मारा गया। पुलिस की लापरवाही ने एक घर उजड़वा दिया। कानपुर की इस दूसरी भयावह घटना से यह साबित होता है कि सिस्टम तबाह हो गया है, सड़ गया है। यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि एनकाउंटर और फर्जी आंकड़ों की हवाबाजी का जुलूस निकल गया है। हुक्मरानों, ये चीखें सुनो, सिर्फ आंकड़ों के खेल से, ब्रांडिंग से सिस्टम नहीं चलता। उत्तर प्रदेश संवाददाता अर्पित पांडे की रिपोर्ट। रुचि ये बताओ, अभी पुलिस आपके घर पे आई थी, क्या हुआ आपका? अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता, मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अभी मुँह चुरा रही है, मुँह दिखाएगी भी तो किस मुँह से। उन्होंने ऐसा काम भी किया, हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। अभी बर्रा इंस्पेक्टर आपके घर पे आए हुए थे, क्या बात हुई आपसे, क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहा उसको पहचानो, क्या पहचाने मेरे भाई के हत्यारे है। किसको दोषी मानती है? रंजीत राय को। क्या लगता है भाई आपका? रंजीत राय को, जॉकिन जॉर्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। हमको एकदम बोली, तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके।